होता है, भारतीय साजिशें फिर नाकाम। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला कर लिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये कहना है कि पाकिस्तान की पेशरफ्त देखने के बाद ब्लैक लिस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोजा इजलास खत्म। पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। फेटिफ के सदर मार्क्स प्लेयर ने कहा है कि इजलास में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान की पेशरफ देखने के बाद ब्लैक लिस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान ने 34 में से 30 शराइत पूरी कर ली है। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए अच्छे इकदाम किए। ताहम इस्तिगासा और कानून साजी में मजीद काम की जरूरत है। पाकिस्तान अक्वाम मुत्तहदा के ब्लैकलिस्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। फैटिफ ने इजलास में तुर्की, उर्दन और माल्ले को ग्रे लिस्ट में डालने का ऐलान कर दिया।